हमारे पैर के छालों का क्या हुआ? कहां तो हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में यात्रा करेगा और लोकल ट्रेन वाला बुलेट ट्रेन में यात्रा करेगा। ऐसे नारे हम सुनते रहे और धरातल पर स्थिति यह हो गई कि रेलवे की पुरानी यात्री सुविधाएं भी रसातल में चली गईं। महोदय, देश में रेल को आम जनता का यातायात माना जाता है। क्या सरकार इस सस्ते सार्वजनिक परिवहन को असुरक्षित, असम्मानजनक और असुविधाजनक बना देगी? उपसभापति महोदय, आम जनता के लिए वेटिंग टिकट की समस्या इतनी बड़ी त्रासदी है कि इसे रेल मंत्रालय शायद समझना ही नहीं चाहता। महीनों पहले भी अगर ट्रेनों का टिकट लेने का प्रयास करिए तो अधिकांश टिकट वेटिंग में ही मिलेगा या फिर तत्काल के नाम पर आपकी जेब लूटी जाएगी। आजकल तो डायनामिक फेयर के नाम पर डकैती चल रही है। महोदय, अभी पिछले महीने नवंबर में मुंबई से पटना जाने वाली सुविधा एक्सप्रेस में सेकंड एसी का फेयर 9,300। डकैती शब्द, वेदर इट इज पार्लियामेंट, ठीक है सर, मैं उस शब्द को वापस ले रहा हूँ। मैं पुनः लूट शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। डायनामिक फेयर के नाम पे लूट चल रही है। अभी पिछले दिनों नवंबर में मुंबई से पटना जाने वाली सुविधा एक्सप्रेस में सेकंड एसी का फेयर 9,395 रुपए पहुंच गया था। बेस फेयर 2,950 रुपए था, उस पे 5,900 का डायनेमिक फेयर। गजब की लूट है। क्या रेल मंत्रालय ऐसी कोई तरकीब विकसित नहीं कर सकता जिसमें वेटिंग टिकट लेने वाले यात्रियों के लिए अलग से कोच लगाया जाए? उपसभापति महोदय, रेलवे में सुरक्षा और रेलवे की सुरक्षा आजकल दोनों भगवान भरोसे हैं। रेल दुर्घटनाओं की बाढ़ आ गई है। उड़ीसा के ट्रेन हादसे में मारे गए सैकड़ों यात्रियों के परिवारों के आंसू अभी सूखे नहीं है। पहले रेल हादसे होते थे, रेल मंत्री जवाबदेही लेते थे, जमीर की आवाज पर इस्तीफा दिया करते थे। अब शायद जमीर की आवाजें नहीं होती हैं क्योंकि रेल मंत्री जवाबदेही नहीं लेते, इस्तीफा नहीं देते। भाजपा की सरकारों में इस्तीफे नहीं हुआ करते। यात्रियों की सुरक्षा की सुध भला कौन ही ले जब मंत्री जी को फुर्सत ही नहीं है। 25 नवंबर को मध्य प्रदेश के मुंगावली स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही महिला से जीआरपी अधिकारी गैंगरेप करता है। रेल मंत्री जी वंदे भारत के वीडियो ट्वीट करके अपडेट करते हैं। मैं उनसे कहूंगा कि कभी पटना, लखनऊ, इलाहाबाद से दिल्ली और मुंबई जाने वाली ट्रेनों के डिब्बों का वीडियो शूट करा करके आप ट्विटर पर डालिए, तब समझ में आए कि असलियत कहां पर है और सच्चाई कहां पर है। बुलेट ट्रेन की बाढ़ जो रहे इस देश के पास लोकल ट्रेनों की सुविधाएं लगभग समाप्त हैं। आरपीएफ का जवान चेतन सिंह ट्रेनों में पूछ पूछ करके लोगों को गोली मारता है, लेकिन सरकार एक ट्वीट तक करना गवारा नहीं समझती। मंत्री जी एक शब्द बोलना नहीं चाहते। इन सुविधाओं को सुधारा जाए, मेरा यह अनुरोध है। धन्यवाद।